जब किसी खिलाड़ी का सर मेडल पहनने के लिए झुकता है तो सारे हिंदुस्तान का सर ऊंचा उठ जाता है। जब किसी खिलाड़ी की धड़कनें बढ़ती हैं तो सारे हिंदुस्तान का दिल थम जाता है। जब कोई खिलाड़ी जीत के करीब होता है तो सारे देश के हाथ एक साथ दुआओं में उठ जाते हैं। एक खिलाड़ी सारे हिंदुस्तान को एक कर देता है। कुछ ऐसे ही खिलाड़ी जो मेरी और मेरे देश की उम्मीद है, उन्हें जानने का मौका है उम्मीद इंडिया। रेसलिंग या कुश्ती को दुनिया का सबसे पुराना खेल माना जाता है। रामायण महाभारत काल में इसे मलयुद्ध कहा जाता था। बाली, सुग्रीव, भीम, दुर्योधन इस खेल के महान योद्धा थे। समय बदला, मलयुद्ध कुश्ती में बदला और कुश्ती रेसलिंग में। हमने सारी दुनिया को एक से बढ़कर एक रेसलर दिए हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है हरियाणा का। हरियाणा पहलवानों का गढ़ है और उसी गढ़ में आज जो सबसे बड़ा नाम माना जाता है वो है फोगाट परिवार। छह बहनों के फोगाट परिवार और उनके मुखिया महावीर फोगाट ने महिला कुश्ती की इमेज बदल दी। हरियाणा में महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदल दी। इसी फोगाट फैमिली से एक सुपर टैलेंटेड रेसलर है विनेश फोगाट। मैं विनेश फोगाट, मैं एक रेसलर हूँ, पहलवान। अपने खेल के जरिए मैं दुनिया को यही बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ अगर सोच लें तो सब कुछ कर सकती हैं। उनमें भी वही ताकत है, हिम्मत है। खेल मर्द या औरत नहीं देखता, खेल देखता है लगन, मेहनत। फोगाट रेसलिंग में एक ब्रांड सा बन गया है, कैसा लगता है इस सरनेम के साथ? अच्छा लगता है सर, क्योंकि पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है और वो पहचान अभी बन गई है तो वो काफी अच्छा लगता है। बट इस सरनेम के साथ जो प्रेशर आता है आपके ऊपर, वो भी महसूस होता है? इस नाम को बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, चैलेंज आ रहे हैं हर दिन की। अभी उससे पहले ये था कि एक अच्छी रेसलर बनना है, अभी ये हो गया कि लोगों की उम्मीद इतनी बढ़ गई कि ओलंपिक्स में गोल्ड मांग रहे हैं और मेरा भी खुद से उम्मीद हो गया है, तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर तो बाहर में होगा जब प्रैक्टिस करते होगे, लेकिन जैसे उस मैट पे उतर गए तो फिर क्या सोचते हो? मैट पे मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, अपोनेंट दिखाई देता है। जैसे लोग बोलते हैं कि क्राउड से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, मुझे सुनाई नहीं देता कुछ भी, मुझे एक फोकस दिखता कि सामने वो है, उसके साथ कैसा लड़ना है। अभी वो प्रेशर नहीं है, मैट पे जाती हूँ तो अपना पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ कि मुझे जीतना है बस। ऐसा मुझे एक बार सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ ने कहा था कि वो एक उस जोन में आ जाते हैं जब उन्हें सिर्फ गेंद नजर आती है, गेंदबाज नजर नहीं आता, पब्लिक नजर नहीं आती, साइड स्क्रीन नजर नहीं आती। मैं ऐसे जोन में कभी नहीं गया, लेकिन विनेश ऐसे जोन में हर बारी शायद जाती है और उसी का नतीजा है कि शायद हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो ओलंपिक में मेडल लेके आएंगी, गोल्ड लेके आएंगी। आपके जीवन में आपके जो ताऊ जी हैं महावीर फोगाट जी, उनका क्या रोल है? रेसलिंग उन्हीं के कारण है, और शायद वो रेसलिंग नहीं करवाते तो क्या पता लाइफ में क्या होता क्या नहीं। एक इतनी अच्छी चीज़ हमें दी है, उसके लिए मतलब हमेशा दिल में ये रिस्पेक्ट रहेगी कि उन्होंने रेसलिंग पकड़ाई, क्योंकि रेसलिंग मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे एक बेस्ट मोमेंट है। तो उस चीज़ के लिए हमेशा दिल में रहता है कि उन्होंने जो लगाया है तो शायद भगवान उनके अंदर आया था उस दिन, जो उन्होंने रेसलिंग में डाला और इस मुकाम पर हमें लेके आई। अच्छा, आपने बहुत छोटी सी उम्र में अपने फादर को खो दिया, उस समय उस वक्त क्या आपके दिमाग में था? मैं मम्मी की बहुत लाडली थी, मम्मी से चिपक के रहती थी सारा टाइम, कहीं मम्मी कहीं भी जाती मम्मी के साथ साथ, तो पापा के साथ मेरा इतना अटैचमेंट नहीं था, लेकिन पापा का मेरे साथ बहुत ज्यादा था। लेकिन उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था कि पापा गए, बस ये था मम्मी रोती थी तब ये होता था कि हाँ कुछ तो मतलब घर में मिसिंग है, लेकिन अभी कभी कभी होता है।
पापा की बहुत लार ली थी। पापा हमेशा बोलते थे कि देखना मेरी बेटी एक दिन जहाज में जाएगी और मैं नीचे खड़ा होकर देख रहा हूँ। मैं यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लखनऊ में बैठा हूँ और यहाँ पर सारे रेसलर बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उसी लगन और जोश के साथ मेहनत कर रहे हैं। वो हैं एक्स ओलंपियन ध्यानचंद पुरस्कार विजेता चीफ रेसलिंग कोच कुलदीप मलिक। विनेश फोगाट, आपको कब और कहाँ कैसे मिली? मेरे को विनेश जो है 2013 के अंदर यहाँ, जब वो लड़की पहली बार यहाँ इधर कैंप में आई, पहले जूनियर में आई थी लेकिन मैं जब सीनियर के साथ था, तो जब मेरे को मिली और मेरे को जैसे इसकी स्पीड और ये लगी तो बहुत ही एक एक्सीलेंट लड़की थी। मुझे ये भरोसा रहता है जितना भी इसको मेहनत का काम दे देंगे हम, वो पूरा करेगी। रियो ओलंपिक में विनेश की जो ये इंजरी थी वो कितनी सीरियस थी और कितना समय लगा उसको इस इंजरी को ठीक करने में? अभी देखो आप, एक साल लग गया उसको। मैं समझता हूँ कि 90-95% ठीक है वो लड़की। 5% इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं आपको बताने की भी जरूरत, आप खुद समझते हैं कि वो झिझक रहती है। हर खिलाड़ी के मन में एक झिझक रहती है, कहीं ना कहीं दर्द जरूर रहता है। हाँ, बगैर दर्द के कोई खिलाड़ी खेल नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी। दर्द तो शायद खिलाड़ी की जिंदगी का हिस्सा है। तो आपको कैसा लग रहा है जी, वो वापस मैट पर आ गई है, वापस ट्रेनिंग कर रही है, वापस रेसलिंग कर रही है, तो अब कैसा लग रहा है? मुझे फिर दोबारा वही उम्मीदें बंद की हैं 2020 की, जैसे 2016 में थी। मुझे दो उम्मीद फिर दोबारा यही है कि विनेश हटेगी नहीं पीछे, कुछ भी हो जाओ तो ये मेडल लेके आएगी। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।